Shama makeovers and she has really outdone herself. Beech mein thoda issue bhi hua tha, pure yellow ho gaye the, but she sorted it out and yeah, I love my color. No bleach, nothing, just natural hair and my color, and I loved it. Thank you, Shama. Amazing. Thank you so much, ma'am, for coming. Yeah, thank you so much, ma'am, for coming and me. God bless you. Thank you so much. Enjoy your color. Thank you so much. See you, ma'am. Bye. Bye, bye ma'am. Thank you so much. Bye. Bye, Shama. Hello everyone. Welcome to Shama's Makeover. How are you all of you? I hope I'm doing great. Kirko machen apnara. Bhalo. So guys, today I'm gonna show you no bleach hair color, which is like amazing black to brown hair color. तो इस color को मैंने कैसे किया है? Make sure guys watch this video till the end. Video को last तक देखिएगा. एक-एक step by step मैंने सिखाया है आपको. Make sure watch this video till the end. Also guys, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके, ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करके, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं. यस गाइस, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को क्लिक करके, ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करके, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मेक श्योर गाइज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज यू कैन सी हेयर बिफोर, जी हाँ गाइज, बताना चाहती हूँ, इट वॉज अ वर्जन हेयर, बहुत कर्ली बाल है, तो मैंने यहाँ पे 9000S30 वॉल्यूम के साथ लिया है. मिक्सिंग रेशो होने वाला है 1:2. सो गाइस, मैंने सबसे पहले इनको एक पैश टेस्ट दे दिया था बैक साइड में, एंड देन शी डिसाइडेड ओके गो फॉर दिस, एंड देन फाइनली आई जस्ट डिड हर अमेजिंग हेयर कलर. उसके बाद बीच में जो गड़बड़ हुआ था वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. तो दिस इज ओला प्लेक्स, जहाँ पे मैं बॉन्ड मल्टीप्लायर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, नंबर वन. इसमें यू नो थोड़ा सा आपने ओला प्लेक्स नंबर वन मिक्स करना है प्री लाइटनिंग के साथ, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट है शी सेड कि आई जस्ट डोंट वांट टू यू नो डैमेज माय हेयर, एंड देन जस्ट डोंट वांट टू डल माय हेयर ड्राइनेस एंड ऑल, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट. तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ओला प्लेक्स. मैं यहाँ पे ओला प्लेक्स मिक्स कर रही हूँ. अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैं पैश टेस्ट दे चुकी थी उनको. मैं मोस्टली क्या करती हूँ, जब क्लाइंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है विच कलर क्या होगा क्या नहीं होगा प्री लाइटनिंग के बाद, यू नो विदाउट प्री लाइटनिंग भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, ऐसा सिचुएशन में अगर आप देखोगे, मैं बताना चाहती हूँ गाइस कि बेटर होता है कि अगर आप क्लाइंट को पैश टेस्ट दे दो. तो मैंने यहाँ पे 9000S12.1 भी यू नो आई हैव शोड हर 2-3 पैचेस, देन शी डिसाइडेड ओके गो फॉर इट. ओके, और फिर बीच में बताना चाहती हूँ, जो क्लाइंट ने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था ना कुछ गड़बड़ हुआ था, बट शी जस्ट फिक्स इट आउट. जी हाँ गाइस, कुछ हुआ था बीच में, वो आज वीडियो में दे बने रहिएगा, मैं बताऊँगी कि क्या हुआ था ऐसा बीच में कि जिसको मैंने फिक्स किया था. अगर आप लोग भी कभी कुछ ऐसा हो जाए तो क्या कर सकते हैं, पहले तो वीडियो को देखते रहो. ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमने यू नो हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है. हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने के बाद स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपने एप्लीकेशन करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो एप्लीकेशन मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने एप्लीकेशन अच्छा नहीं किया तो गाइस मैं बताना चाह रही हूँ कि कलर इज़ नॉट कम आउट वेरी नाइस. तो मेक श्योर गाइस कि एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशन आपने बहुत अमेजिंग तरीके से करना है. अगर आप देखोगे रूट्स एरिया के थोड़ा सा क्लोज में अगर आप बात करोगे, वहाँ पे मैं थोड़ा सा बालियाज टेक्निक में कर रही हूँ कि मतलब रूट्स में ज़्यादा यू नो लगना नहीं चाहिए, रूट्स के एकदम क्लोज में नहीं करना है. आपने रूट्स छोड़ के हाफ इंच छोड़ के ही आपने एप्लीकेशन करना है. मेक श्योर गाइज इस इसका हमेशा ध्यान रखना है. और हाँ, बताना चाहती हूँ गाइज कि नेक्स्ट मंथ से मेरी 5th बैच स्टार्ट होने वाली है. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कीजिएगा, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वॉच फीडबैक वीडियो, यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट माई ऑल द फीडबैक वीडियो. तो इस तरह से आपने गाइज एप्लीकेशन करना है, राइट. और उसके बाद अगर आप देखोगे पूरा एप्लीकेशन के बाद, हियर आई एम गोना पुट दिस फॉइल पेपर ऑन टॉप.
So guys, why are you waiting for? Book your seat right now for the fifth batch online hair color classes. तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, कंटिन्यू देखते रहिएगा. सो इस तरह से गाइज मैंने क्या किया है, दो फॉइल पेपर के साथ अच्छे से मैं इस पूरे हेयर को कवर कर रही हूँ जिससे कि हीट प्रोड्यूस हो और जल्दी से कलर बहुत अमेजिंग तरीके से आ जाए. राइट, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं राइट सेक्शन में भी मैंने इनको पेस्टेज दिया था. ऑन टॉप आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस कलर 9000S विथ 30 वॉल्यूम. अगर आपकी कोई क्वेरीज है, अगर आपका कोई यू नो क्वेरीज है या एनीथिंग एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द हेयर कलर, यू कैन कमेंट्स बिलो, कमेंट्स कर दीजिएगा आपको कुछ भी पूछना है तो. ठीक है, और बताना चाहती हूँ गाइज कि ऐसी वीडियोज मैं लाती रहती हूँ, अपनी खुद की गलती से भी जो मैं सीखती हूँ वो आप लोगों को सिखाती हूँ. इस वीडियो में कुछ होगा बीच में, देखते रहिएगा. उसको मैंने कैसे रिकवर किया है वो भी मैं बताऊंगी. यहाँ पे देखो मैं फिंगर पॉइंट कर रही हूँ कि हॉरिजॉन्टल नहीं लेना, ब्रश को वर्टिकल लेना है. राइट, और इस तरह से आपने एप्लीकेशन करना है. मेक श्योर गाइज जब भी कभी भी आप एप्लीकेशन करते हो तो मेक श्योर कि आपने अच्छे से एप्लीकेशन करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. हर एक चीज़ डिटेल्स में मैं इन डिटेल्स में ऑनलाइन क्लासेस में बताती हूँ. व्हेन यू टेक अ ऑनलाइन क्लासेस यू आर गोना बी परफेक्ट हेयर स्टाइलिस्ट, परफेक्ट हेयर कलरिस्ट, दैट इज फॉर श्योर. यू आर गोना बी परफेक्ट हेयर स्टाइलिस्ट, परफेक्ट हेयर कलरिस्ट, आई एम श्योर. तो मेक श्योर गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. इस तरह से आपने एप्लीकेशन करना है राइट सेक्शन में भी, अगर आप देखेंगे. ठीक है, इस तरह से लेफ्ट में क्या राइट में क्या फाइल पेपर से कवर कर दिया हीट प्रोड्यूस करने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए. अब हम आते हैं क्लाइंट का लेफ्ट सेक्शन में. जब आप लेफ्ट सेक्शन में करते हैं उस तरफ से भी आपने यू नो हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है और इस तरह से एप्लीकेशन करना है. तो गाइस मेक श्योर अगर आप देखोगे यहाँ पे बैक साइड में ऑलरेडी कलर जो है लिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है. अगर आप देखते हैं बैक साइड में, यहाँ देखो ये ऑलरेडी कलर जो है लिफ्टिंग होना शुरू हो गया है. जी हाँ गाइस, इस तरह से आप देखेंगे कि लिफ्टिंग हो रहा है और आपने जो है, क्योंकि कलर जो है आप उसको 30 मिनट्स के बाद वो अपना टाइम जो है उसका स्टॉप हो जाता है, उसके बाद वो वर्क करना कम कर देता है, प्रोसेस उसका होना यू नो कम हो जाता है. इसलिए डोंट वेरी अबाउट इट, आप एप्लीकेशन करते रहिए, डोंट वेरी अबाउट इट. सो मेक श्योर गाइस जिस तरह से आपने लेफ्ट सेक्शन किया है उस तरह से राइट सेक्शन भी करना है. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू. So now you have to wait for half an hour. After half an hour, when you open this all the foil paper, then you can see which is lighter shade. अभी मैं यहाँ पे 9.01 and 20 volume and मैं ले रही हूँ base number 5, जो मैं roots में application करने जा रही हूँ. तो देखते हैं base number जो 5 है मैं यहाँ पे ले, जो मैंने लिया है base जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ. 70% base होना चाहिए and जो fashion shade है वो 9.01, वो मैं थोड़ा सा कम ले रही हूँ. क्यों कम ले रही हूँ आप लोग जानते हैं, roots में within 5 minutes में वो glow कर जाएगा क्योंकि already 30 volume से हम नीचे application कर चुके हैं. राइट, सो गाइस रूट्स का जो मिक्सिंग रेशो होगा 1:1.5 होना चाहिए. और अगर आप देखोगे ऑलरेडी इतना ज़्यादा लिफ्टिंग हो गया है यहाँ पे कलर. अगर आप देखते हो सिर्फ हमने रूट्स में ही एप्लीकेशन करना है, ये विदाउट ब्लीच इतना लिफ्ट हुआ है गाइस. यही तो मैं बताना चाहती हूँ, 9000S की बहुत सारी खासियत है जो मैं क्लास में बताती हूँ. एग्जैक्ट आपको 9000S ब्लॉन्ड चाहिए तो कैसे आएगा, और अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हो तो क्या रिजल्ट आएगा. अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा कैरमल ब्राउन्स टाइप ये कलर आया है और अभी हम यहाँ पे रूट्स में एप्लीकेशन कर रहे हैं गाइस. और बताना चाहती हूँ रूट्स में एप्लीकेशन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपने 5 मिनट रखना है, ये नहीं कि 7, 8, 9, 10, नो, ओनली 5 to 6 मिनट रखना है और उसके बाद आपने वॉश करना है. यही रूट्स देखना कितना लिफ्ट हो जाता है, आपको पता है सिर्फ विद इन फाइव मिनट्स में कितना लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने रूट्स के क्लोज ला के वो वर्टिकल सेक्शन में वर्टिकल स्टाइल में जैसे बालियाज टेक्निक करते हैं, हमने जब ग्लोबल किया था उस टाइम पे ही वो इतना लिफ्ट हो जाता है. राइट, और अगर आप यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, चाहे यहाँ पे जो बाकी जो बाल है उनको मैं इमल्सिफिकेशन कर रही हूँ, इमल्सिफाई कर रही हूँ.
रूट्स में एप्लीकेशन होने के बाद बाकी वालों को मैं इमल्सिफाई कर रही हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पैश नहीं बनना चाहिए। मैं बताऊँ गाइज, जब मैंने वॉश किया था वो वाला वीडियो, मैं यू नो बहुत जल्दी में थे तो वो नहीं मैं बना पाई। वॉश किया था तो पूरा येल्लो हो गया था ये वाला पोर्शन, जो सिर्फ क्राउन एरिया वाले के नीचे, मतलब जो अगर आप देखोगे क्राउन एरिया रूट्स एरिया के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जो है पूरा येलो हो गया था। तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिया है और यहाँ पे 3.20 लिया है। येलो को कट करने के लिए आप वॉलेट यूज़ करते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉलेट थोड़ा लिया है और 4 नंबर ज़्यादा लिया है, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उन सिचुएशन में, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन किया, अभी तो वो दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने सोचा कि चलो जो मैंने चीज़ें जो मैंने गलती करी हैं, जो मेरे से मतलब जो चीज़ मिस्टेक हुआ वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों को पता ही है यहाँ पूरा ना येलो हो गया था, नीचे तक तो ठीक था, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना और भी ज़्यादा पीला पीला हो गया था। मैंने उनको दिखाया रिंस करके, एंड देन मैंने इसको 5 से 10 मिनट्स तक मैंने इसको अच्छे से मिल्सिफिकेशन किया, फिर वॉश किया। वॉश करने के बाद वो येलो टोन गया, येलो टोन हैज़ गॉन, यू नो व्हाई। सो गाइज, जैसे मैं क्लास में सिखाती हूँ, अगर आपको येलो टोन को न्यूट्रलाइज करना है तो वो कौन सा शेड है, वो है वॉयलेट शेड। तो वॉयलेट मतलब 0.2 से रिलेटेड कोई भी शेड अगर आप देखोगे यहाँ पे, येलो को न्यूट्रलाइज करने के लिए वॉयलेट चाहिए। 0.2 से रिलेटेड 3.20, 5.20 या वॉयलेट का मिक्स हो गया या 4.20, कोई भी 0.2 से रिलेटेड आपने लिया और उसके बाद उसको मैंने 4 नंबर के साथ मिक्स करके लगा दिया सिर्फ उन्हीं बालों में, एंड देन ऑल द कलर इज न्यूट्रलाइज। एंड देन हियर आफ्टर शैम्पू कंडीशनर आई एम यूजिंग मोरक्कन का मूस, और अच्छे से इसको स्क्रंच करना है। स्क्रंच करने के बाद ट्विस्टिंग करने, मैंने पूरे बालों को ट्विस्टिंग किया है गाइस, अच्छे से स्क्रंच करना है, गीले बालों को स्क्रंच करना। अगर आप देखोगे यहाँ पे नो येलो टोन, बट मैंने वो वाला अगर वीडियो में दिखाती ना बीच में, आप कहते कि मैं तो खुद ही मैं सोच रही थी इतना ज़्यादा येलो कैसे आ गया। देन मैंने उसको न्यूट्रलाइज किया विद दिस टेक्निक। तो ये इन डिटेल्स ऑनलाइन क्लासेस में सिखाती हूँ, अगर येलो भी हो जाए आपको इसको किस तरह से इमल्सिफिकेशन करना है। और यहाँ पे क्योंकि एज यू नो हर हेयर इज कर्ली, वेरी वेरी कर्ली, अगर कर्ली हेयर को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो मेक श्योर गाइज, ऐसे बालों को स्ट्रेट करने से अच्छा है, बेटर है कि जस्ट डू इट अमेजिंगली ट्विस्टिंग। तो दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। तो एक वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी मैंने, ट्विस्टिंग करना, यू नो हाउ टू डू ट्विस्टिंग, हाउ टू डू हाउ यू कैन यूज अ यू नो मोरक्कन मूस एंड देन ओलाप्लेक्स एंड मेनी थिंग्स इन दिस वन वीडियो। आई जस्ट ऑलवेज ट्राई टू माई बेस्ट, मैं हमेशा अपना ट्राई करती हूँ कि बेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। सो कमेंट्स कीजिएगा कि अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो और आप आगे क्या सीखना चाहते हो, सो दैट आई कैन जस्ट रिलेट द, और मैं उसी के हिसाब से आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो लेके आऊँ, बेस्ट वीडियो बनाऊँ, सो दैट आप लोग सीखें और ग्रो करें अपने अपने सिटी में। यू आर गोना बी परफेक्ट हेयर कलरिस्ट। सो गाइज, एज यू कैन सी हेयर नाउ, आफ्टर दैट आई एम गोना यूज़ योर डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र से क्या होता है, पूरे बालों में कर्ल्स जो है बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाता है, और आपने यहाँ पे डिफ्यूज़र यूज़ करना है। हीट को जो है मिनिमम रखना है, स्पीड जो है वो मिनिमम रखना है, और हीट आप नॉर्मल रख सकते हैं, और उस तरह से आपने स्क्रंच करके अप करना है, राइट। एंड देन यू कैन सी स्लोली आई एम डूइंग दिस अमेजिंग डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र से ना कर्ल्स बहुत अच्छा से इन्हेंस हो जाता है, एंड देन एज यू कैन सी वाओ, सच अ वंडरफुल हेयर कलर, सच अ ब्यूटिफुल बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन एज यू कैन सी। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये ट्यूटोरियल अमेजिंग लगता है तो ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल। सो गाइज, बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय गाइज, सी यू वेरी सून, बाय।